हेलो दोस्तों, मैं अंकुर भारती, डायनेमिक रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ये मिनी इन्वर्टर का रिव्यू देने वाला हूँ। 280 दिन का मीन्स लगभग 9 मंथ का रिव्यू दूंगा, और ये अभी कैसा चल रहा है, इसमें क्या क्या खराबी आया है या खराबी नहीं आया है सो बताऊँगा। आप इसका फुल इंस्टॉलेशन एंड सेटअप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो चलो मैं इसका रिव्यू देता हूँ। मेनली मैं इसका रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा जो ये मिनी इन्वर्टर मैं वीडियो बनाया था उसमें 75,000 से 80,000 के बीच में अभी तक व्यू चला गया है, और उसमें ढेर सारा कमेंट आ रहा था। तो मैं वही कमेंट का आंसर देने का कोशिश करूंगा, और आप वीडियो पे बने रहो ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके इस वीडियो का, इस मिनी इन्वर्टर का। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही अब वीडियो अपलोड हो जाएगा मेरे चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे वीडियो का। चलो तो मैं आपको पहला दिखा देता हूँ कि ये चार्ज हो रहा है क्या नहीं। तो मैं ये यहाँ पे प्लग इन कर लिया, रेड LED जल रहा है, यहाँ पे चार्जिंग लिखा हुआ है तो चार्ज हो रहा है। और फिर मैं इसको जब ऑन करूँगा मिनी इन्वर्टर को तो आप देखो, और जब मैं ऑफ कर दूंगा चार्जिंग को तो डायरेक्ट ये UPS ऑन लिखा हुआ दिखेगा, और जब मैं चार्जिंग ऑन कर दूंगा तो मेन ऑन प्लस में चार्जिंग दिखेगा और ये UPS ऑन नहीं दिखेगा। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और ये अभी चार्ज हो रहा है। उसके बाद मैं इसका आउटपुट भी दिखा दूंगा, DC आउटपुट भी कि कितना आता है। आपको मैं पूरा सेटअप करके दिखाऊंगा क्या क्या इसमें चल रहा है। अभी जब 9 मंथ हो गया इस मिनी इन्वर्टर का तो सारा कुछ चल रहा है या कुछ खराब हो चुका है। तो पहला यहाँ पे होल्डर लगाने का दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे होल्डर लगा दे रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पे ऑन करने का स्विच दिया हुआ है होल्डर के लिए, ये पहले ऑन कर लेना है। मैंने ऑन किया, उसके बाद यहाँ से CFL के लिए ऑन कर दूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है CFL के लिए, ये आप LED वाला है, मैं इसको ऑन कर दिया तो ये भी चलने लगा। अब देखो यहाँ पे फ्यूज दिया हुआ है और लिखा हुआ भी है, तो ये मेरा फ्यूज प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है, ताकि कभी भी कुछ इसमें ओवरलोड आ जाए या तो शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये जल जाएगा फ्यूज, और आपका मिनी इन्वर्टर को हार्म नहीं करेगा, कुछ खराब नहीं होगा मिनी इन्वर्टर। और आप यहाँ देखो, यहाँ पे जो स्विच दिया हुआ है यहाँ पे ऑन कर दोगे आप, उसके बाद दोनों लाइट को जला सकते हो। लेकिन जब आप ये ऑफ कर दोगे फिर भी ये जो LED दिया हुआ है जलेगा, क्योंकि ये मेरा DC लोड है, ये DC लोड है, बाकी सारा AC लोड है। और यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ DC सप्लाई के लिए भी दिया हुआ है और सोलर से चार्ज करने के लिए भी दिया हुआ है, और 3 सॉकेट दिया हुआ है। तो मैं ये सब को भी चेक करके बताऊंगा। और पहले मैं खोल देता हूँ ये चार्जिंग जो चार्ज में लगाया था, उसके बाद मैं पहले DC लोड के लिए आपको दिखाता हूँ कि कितना इसका सप्लाई आता है। जैसे मैं DC में करके रखा हूँ, आपको अगर मल्टीमीटर चलाना नहीं आता है तो आई बटन पे क्लिक करके जाके सीख सकते हो मल्टीमीटर कैसे चलाया जाता है, कैसे ऑपरेट किया जाता है। DC सप्लाई का बताता हूँ कि कितना वोल्ट इसका सप्लाई आता है। अब देखो 12 समथिंग आ रहा है, मीन्स इसका 12 वोल्ट समथिंग सप्लाई देता है, आउटपुट देता है DC का। और फिर मैं चार्ज करके दिखा देता हूँ, और उसके बाद मैं DC लोड को ऑपरेट करके दिखा दूंगा, और बाकी मैं एक साथ ही सारे लोड को चलाऊंगा और दिखाऊंगा कि सारा लोड आपका काम कर रहा है या नहीं। तो आप देख लो कितना सारा चीज मैं लेके आया हूँ, ये सारे चीज को टेस्ट करके दिखाऊंगा। इतना लोड एक साथ देने पे क्या मिनी इन्वर्टर ओवरलोड लिख देता है या चलता है, तो मैं इसको अभी ऑपरेट करके दिखाऊंगा। उसके पहले ये मिनी इन्वर्टर को चार्ज होने में अप्रॉक्स 7 आवर्स लगता है, और ये डिस्चार्ज होने में लोड के अकॉर्डिंग डिस्चार्ज होता है। अगर आप कोई लोड को लगाए हो और आपको देखना है कि वो कितना टाइम बैकअप दे रहा है, कितना टाइम वो बल्ब या तो कुछ भी ग्लो करेगा, तो वो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। मैं उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया हूँ, उसका कैलकुलेशन देख सकते हो कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है 60 वाट, आप 60 वाट से ज़्यादा इस पे लोड देना नहीं। एक और क्वेश्चन था कि क्या मैं इस मिनी इन्वर्टर से लैपटॉप को चार्ज कर सकता हूँ, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि उसमें पहला तो
जो चार्जर का प्लग रहता है वो 3 पिन रहता है, और यहाँ पे 3 पिन सॉकेट लगाने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। जो लैपटॉप रहता है उस चार्जर का वाट होता है तो 60 वाट से ज्यादा होता है, इसीलिए वो चार्ज नहीं हो सकता है। मैं इसको दिखा देता हूँ कि सोलर से चार्ज कैसे किया जाता है इस मिनी इन्वर्टर को। तो मेरा ये वायर है, सोलर का वायर आया हुआ है, तो इसमें शॉक नहीं लगेगा क्योंकि डीसी सप्लाई आता है और डीसी से ही चार्ज होगा। तो मैं इसको इजीली टच कर सकता हूँ। जहाँ पे भी एसी है उसको आप कभी भी ऐसे हाथों से टच नहीं करना। तो मैं इसको लगा के देखता हूँ और देखता हूँ चार्ज हो रहा है क्या नहीं। ये देखो मेरा यहाँ पे प्लग लगाने का दिया हुआ है, मैं वायर डायरेक्ट अंदर घुसा रहा हूँ और मैं देखता हूँ चार्ज ले रहा है क्या नहीं। अब देखो मैंने इसको जब लगाया तो ये चार्ज हो नहीं रहा है, मीन्स धूप नहीं है। ऐसे भी मैं देख रहा हूँ बाहर कि अभी धूप नहीं है, इसीलिए मे भी चार्ज नहीं हो रहा है। तो चार्ज करने के लिए अप्रॉक्स 21 वाट का आपको सोलर पैनल चाहिए जब आप इसको चार्ज करते हो। तो इसमें जो बैटरी यूज किया जाता है वो 12 वोल्ट और 7 एम्पियर आवर का रहता है, और इसमें आप लगा सकते हो 7 एम्पियर आवर से लेके 7.5 एम्पियर आवर तक। इसमें रेटिंग भी लिखा हुआ है कि कहाँ तक यूज़ कर सकते हो। तो आपका जब भी बैटरी बैकअप नहीं देने लग रहा है, जैसे कि इन्वर्टर आपको बैकअप नहीं दे रहा है, तो आप बैटरी को चेक करना, बैटरी डिस्चार्ज हो गया होगा तो आप उसको यूज़ कर सकते हो चेंज करके। चलो मैं इसमें डीसी लोड को यूज़ करके दिखाता हूँ। ये मेरा मिनी ट्यूबलाइट है, मैं इसका भी वीडियो बनाया हूँ, तो मैं इसको चेक करके बता देता हूँ कि ऑपरेट हो रहा है या नहीं। तो मेरा मिनी इन्वर्टर ऑन है, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डीसी फैन के लिए है और डीसी लोड भी बोल सकते हो, या तो अगर फैन आप नहीं लगा रहे तो लोड कोई भी लगा सकते हो डीसी के लिए। तो मैं इसको लगाता हूँ और देखता हूँ। देखो ये मिनी ट्यूबलाइट मेरा जल रहा है, ग्लो कर रहा है, तो मैं इसको साइड में रख देता हूँ। और अब मैं इस फैन को ऑपरेट करके दिखाता हूँ कि ये मेरा फैन चल रहा है या नहीं। अब देखो कितना ज़्यादा स्पीड ये रोटेट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड घूमता है, और डीसी है तो इसमें कम एनर्जी भी खपत होता है। और ये बैकअप अप्रॉक्स दे देगा आपका 6 से 8 घंटा तक दे देगा, वो थोड़ा वैरी करता है, चार्जिंग पे डिपेंड करता है, और फुल चार्ज होने पे ही आपको 6 से 7 घंटा तक बैकअप देगा। और मैंने इसको यूज़ भी किया है पर्सनली, ये बहुत अच्छा बैकअप देता है फैन। अब दिखाता हूँ सारा प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना एक साथ। तो मेरा ये दोनों AC सप्लाई है तो मैंने ऑन कर दिया। यहाँ पे अब सॉकेट में मैं लगाऊंगा और दिखाऊंगा आप लोगों को कि ये ग्लो कर रहा है क्या नहीं। अब देखो मेरा टेबल लैंप ग्लो कर रहा है, मैंने यहाँ पे लगाया। तो अब मैं इसको मिनी एलेक्सा को लगाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ। ये देखो मिनी एलेक्सा वाला सॉकेट इसमें इंटर नहीं कर रहा है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। और यही वाला लैंप से ही मैं सारा सॉकेट चेक करके दिखाता हूँ कि अभी तक मेरा सॉकेट सही चल रहा है या ख़राब हो चुका है। तो पहला चेक करके दिखाया, ये चल रहा है। ये दूसरा भी सॉकेट अच्छा है, चल रहा है। ये तीसरा भी सॉकेट सही है, मीन्स सारा सॉकेट अभी तक सही है और ग्लो कर रहा है। और आप चाहते हो कि और ज़्यादा मैं लाइट यूज़ करूँ इसमें, तो आप यहाँ पे 2 प्लग में लगा के आप बल्ब को यूज़ कर सकते हो, जला सकते हो। और अब मैं इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, जो मेरे वीडियो में क्वेश्चन किया जा रहा था कि मैं इस इन्वर्टर को कहाँ से खरीदूँगा, कहाँ से परचेज करूँगा, और अगर मैं इतना वाट का बल्ब यूज़ करता हूँ तो मेरा कितना बैकअप देगा, कितना टाइम जलेगा। तो अगर मेरा बल्ब 9 वाट का है तो अप्रॉक्स 8 घंटा चल जाएगा एक बल्ब, और अगर मेरा 11 वाट का बल्ब है तो 7 घंटा चलेगा, और अगर मैं 3 CFL 11 वाट का यूज़ करता हूँ 3 आवर चलेगा, और अगर मैं 5 बल्ब यूज़ करता हूँ 11 वाट का, जैसे 1 बल्ब 2 बल्ब 3 बल्ब 4 बल्ब और ये 5, अगर सारा कुछ को मैं यूज़ करता हूँ तो मेरा अप्रॉक्स 2 घंटा बैकअप देगा। तो आपने बैकअप देख लिया कि कितना बैकअप देता है ये। इस मिनी इन्वर्टर का सबसे अच्छा खासियत मेरे को लगा कि आप इसमें डीसी और एसी दोनों यूज़ कर सकते हो, और साथ ही साथ आप इसमें एक साथ 6 लोड को यूज़ कर सकते हो, 1 2 3 4
तीन सॉकेट, एक ये चार, एक ये पाँच और एक आपका डीसी सप्लाई, छः, छः हो गया। तो अब मैं बताता हूँ, सबसे मेन टॉपिक पे आता हूँ कि इसका लिंक कहाँ से मिलेगा, मैं इसको परचेज कहाँ से कर सकता हूँ। तो मैंने इसका ओनर से बात किया, जहाँ से ये डिलीवर होता है, जहाँ से मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ से मैंने बात किया। तो पता चला कि इसका लिंक प्रोवाइड मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको होलसेल में चाहिए तो मैं बता सकता हूँ, आपके एरिया में मिलता है। सो ऑनलाइन आप परचेज नहीं कर सकते इस मिनी इन्वर्टर को। आप अपने लोकल मार्केट में जाना और मिनी इन्वर्टर बोलना तो आपको ये मिल जाएगा। क्योंकि मैंने भी अपने इलाके में देखा, जहाँ पे भी जा रहा था, जो दुकान में भी जा रहा था, ये मिल रहा था। उसके बाद मैं दूसरे जगह भी गया, धनबाद गया, तो वहाँ पे भी मिल रहा है, दिल्ली में भी मिल रहा है। दिल्ली से मैंने बात किया था, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे बात किया था, कोलकाता में भी मिलता है। और इसका मेन ब्रांच है जहाँ से ये मैन्युफैक्चर होता है, वो दिल्ली से मैन्युफैक्चर होता है। तो मैंने बात किया बट मेरे को लिंक नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, इसके लिए सॉरी। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आप अपने लोकल मार्केट में जाना और मिनी इन्वर्टर खोजना, आपको ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा अगर आपको चाहिए। क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रहा था मेरे को कि मेरे को ये मिनी इन्वर्टर चाहिए, आप कुरियर कर दो, पार्सल कर दो, जितना चार्ज लगेगा मैं आपको पे करने के लिए तैयार हूँ। बट मैं तो वो नहीं कर सकता हूँ, मैं कुरियर वगैरह कर नहीं सकता। लेकिन आपको अगर परचेज करना है, रियली परचेज करना है, तो आप जाके अपने मार्केट में पता कर सकते हो और वहाँ से इसको खरीद सकते हो। तो चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।